भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिक पोतने के मामले में लुधियाना की अदालत में यूथ अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह गोशा व मीतपाल सिंह दोगरी की पेशी हुई। उनके साथ अदालत परिसर में श्रोमणी अकाली दल शहरी के प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे। वही पेशी के बाद जहां ढिल्लों ने एक बार फिर से राजीव गांधी को 1984 के सिख विरोधी दंगों को शह देने का आरोपी बताया, वही पार्टी की ओर से गोशा और दुगरी का पूरा साथ देने की बात कही। वही गोशा ने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने मांग की कि रिमांड के दौरान उन पर अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। वही इस मामले में एडवोकेट गगनदीप सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने अभी तक चालान पेश नहीं किया है, जिसके चलते अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी, जबकि गोशा व दुगरी द्वारा पुलिस पर हिरासत के दौरान लगाए गए अत्याचार के आरोपों पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी। आज सरदार गुरदीप सिंह गोशा अते सरदार मीतपाल सिंह जी दुगरी जिन्हां ते पिछले दिन ही सरकार ने एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, आजाद भारत विच हर व्यक्ति नूं अपने भावनावां प्रगट करन दा हक आ। जदों पिछले दिन ही दिल्ली दी हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार नूं सज़ा सुनाउंदे होए राजीव गांधी बारे कोर्ट किया भी इन्हां दी सरप्रस्ती हेठ सारा कुछ होया सी, सुभाविक गल आ भी किसी भी इंसान जो गैरतमंद आ उहदियां मन दियां भावनावां भड़क सकदियां ने उस व्यक्ति खिलाफ जिन्हें हजारां दी तादाद विच कतल कराए होण ते उहनां नूं सरप्रस्त दित्ती होवे ते इहनां नौजवानां ने अपनियां भावनावां ते काबू ना कर रख सकते हुए जो एक्शन किया वह एक इहनां दियां भावनावां दा प्रगटावा सी। पर साडी इस पंजाब दी मौजूदा सरकार जो इन्हां कातलां नूं सही साबित करन दी कोशिश कर रही है बड़े लंबे समय तो, उन्होंने इन्हां नौजवानां ते मुकदमा दर्ज करता अते इन्हां ते तसद्दद किया। देखो जिहड़ा मामला राजीव गांधी ते बुत वाला सीगा मामला कानून दियां धज्जियां कांग्रेस सरकार ने उड़ाईयां, जिहड़े बंदे कातल है उन्हां नूं 34-34 साल बाद सजावां हो रहीयां, ओह वी लुकोया जा रहा कांग्रेस सरकार वल्लों। ते इह आजाद देश है, आजाद देश असीं इक प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने कानून दियां धज्जियां उड़ा के जिथे सिख ककारां दी साडी बेइज्जती की गई, बेदबी की गई आ, ते नाल नाल कुटमार की गई, तो उल्टा कांग्रेस सरकार जिहड़े लोगों ने बेदबी की है, जिन्हां ने माड़ा काम किया है कांग्रेस सरकार, उन्होंने खिलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई। अज मेरे ख्याल 15-16 दिन हो चुके हैं, साढ़े तो उस वेले कार्रवाई कर दी गई, जिहड़े लोगों ने उदों धज्जियां कानून दियां उड़ाईयां उन्होंने अज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो जो 34 साल का जिहड़ा साडी डिमांड है, ये मत सोचण भुलेखे च ना रहन कि वो सोचणगे कि इन्हों दब लेंगे, नहीं, पंजाबी कभी दबे नहीं गए, हमेशा इनकलाबी रहे, हमेशा इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे। आने वाले टाइम के पेशी सी जी अज अवेटिंग चलान वास्ते, चलान की वेट करने वास्ते 26-2 तरीक पाई है जज साहब ने, तो 26-2 पाई है, तो जिहड़ी कंप्लेंट सी जिहड़े पुलिस वाले ने मारकुट की सी 24 जनवरी तरीक पाई है, उन्होंने फरदर एक्शन वास्ते जिहड़ी अगली गवाही असीं उन्होंने वास्ते देनी है। दोवें तरीक पै गई है, अवेटिंग चलान आ लवे, चलान च आन तो बाद असीं चार्ज ते बहस करांगे, जिहड़ी धारावां ने बिल्कुल गलत लगियां ने वो चार्ज ते तोड़ावांगे। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।